बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICS पार्ट टू की बुक से चैप्टर नंबर 1 का 17वां लेक्चर, लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने DBMS के एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। नॉर्मली बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर में ये सवाल जो है वो एक ही बनकर आता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS पर नोट लिखें या कॉन्स एंड प्रॉन्स ऑफ DBMS डिस्कस करें। तो लेकिन मैंने ये टॉपिक जो है वो दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है, तो बहरहाल ये है कि आप इसको एक ही टॉपिक समझिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ DBMS को शुरू करते हैं हम, कि DBMS बजात खुद एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और मैनेजेबल सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको डिसएडवांटेजेस की शक्ल में देख तो रहे हैं, लेकिन असल में ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल फर्स्ट टाइम जब आप DBMS को अप्लाई करेंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये आपको थोड़े से कॉस्ट के हिसाब से महंगा पड़ता है। बस यही इसका डिसएडवांटेज है, वरना बजाते खुद एक बेहतरीन किस्म का DBMS सॉफ्टवेयर है, जिसके डिसएडवांटेजेस को हम ज़्यादा जो है वो खातिर में नहीं लाते। बहरहाल टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए हम इसके इस रिक्वायरमेंट्स को एज ए डिसएडवांटेज कंसीडर करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि भाई सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। DBMS का जो कॉस्ट है वो बड़ी हाई जो है ना होती है, लेकिन बहरहाल ये है कि जब आप DBMS अप्लाई करेंगे तो आपको परचेज तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह हायर हार्डवेयर कॉस्ट DBMS सॉफ्टवेयर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है इसलिए इसके लिए हमें हार्डवेयर भी अच्छे चाहिए होते हैं, और इसी तरह टेक्निकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट और फिर स्टाफ को ट्रेनिंग करना, फिर डेटाबेस में किसी भी किस्म की तब्दीली करना और डेटा डिक्शनरी को मेंटेन करना, अगर हम इसको डिसएडवांटेज को साइड पे रख दें तो असल में ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो DBMS को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसको हम डिसएडवांटेज ही कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ही देखते हैं हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, तो वही बात दोबारा, कंप्लीट DBMS इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सॉफ्टवेयर। अगर हम एक कंप्लीट DBMS को कंसीडर करें और परचेज करें या ख़ुद जो है वो किसी कंपनी से बनवाएं, तो ये एक लार्ज सॉफ्टवेयर होगा और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी होगा। तो इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज DBMS फॉर द फर्स्ट टाइम, और DBMS को परचेज़ करना जो है पहली ही दफ़ा में ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन उसके बाद जब कंपनी जो है वो DBMS के साथ काम करेगी और उसको यूज़ करेगी तो जाहिर सी बात है फिर उसको ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसी तरह हायर हार्डवेयर कॉस्ट में एक फिर वही सिनेरियो है कि कंप्लीट DBMS इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, ये हैवी सॉफ्टवेयर होता है, जाहिर सी बात है फिर इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी भी चाहिए होती है और प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए होती है, यानी कि अच्छे प्रोसेसर वाला कंप्यूटर और अच्छी रैम और अच्छी हार्ड डिस्क वाला कंप्यूटर हमें लेना चाहिए, ताकि DBMS जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर तरीके से स्मूथली काम कर सके। इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर, और ये पावरफुल हार्डवेयर इसको चाहिए होगा टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। अगर हम इस पर प्रॉपरली और एफिशिएंटली काम करें तो फिर हमें पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाई की जो मिस्टेक है ये मैं इंशाल्लाह नोट्स में सही कर दूंगा। और अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ
टेक्निकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DBMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और ज़ाहिर सी बात है फिर इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कुछ टेक्निकल नॉलेज भी जानते हों। तो DBMS एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है और टेक्निकल स्टाफ जैसे कि DBA हो गया, DA हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गए, और ये ज़रूरी हैं टेक्निकल स्टाफ ताकि DBMS को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। ये सारे काम करने के लिए फिर हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ हमारे पास चौथा डिसएडवांटेज है और वो ये है कि जब हम DBMS को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें मैन्युअली काम से जब कंप्यूटराइज्ड काम में आना पड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें अपने स्टाफ को भी इस सॉफ्टवेयर से आगाही देनी पड़ेगी और हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी ज़ाहिर सी बात है फिर कॉस्टली पड़ जाएगी हमें। DBMS इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड रिक्वायर्स ट्रेंड यूज़र टू यूज़ इट प्रॉपरली। एन ऑर्गेनाइजेशन मे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर पर जो ख़र्चा किया है अब उसको प्रॉपर चलाने के लिए हमें स्टाफ की ट्रेनिंग पर भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से वैसे देखा जाए तो ये ज़रूरत भी है लेकिन हमने इसको डिसएडवांटेज में डाल दिया है। इसी तरह एक और हमारे पास डिसएडवांटेज है DBMS का, वो है प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो डेटाबेस सिस्टम में आल्सो नीड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तब्दीली करें तो डेटाबेस को फिर हमें तब्दील ये जो चेंजिंग है इसके ज़ाहिर सी बात है चेंज करने के बाद हमें जो है ना वो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा और साथ दोबारा जो है उसके टेस्टिंग और कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस चलेगा और टाइम और कॉस्ट लगेगी वो हमें दोबारा पे करनी पड़ेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि डेटाबेस को हमें अपडेट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी की चेंज के हिसाब से, तो फिर हमें उस अपडेट के बाद जो है वो उसकी दोबारा टेस्टिंग भी करनी पड़ती है और कन्वर्जन भी करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए कन्वर्जन प्रोसेस हैं वो भी हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तो वो भी हमें कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम थी। और आखिरी जो प्रॉब्लम है ये भी ज़रूरत है, नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, क्योंकि डाटा डिक्शनरी डेटाबेस की जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को रूल्स को अडॉप्ट करने में और फॉलो करने में मदद देती है लेकिन ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब लेकिन इसको भी हमने डिसएडवांटेज में ही डाला है क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा नीड एक्स्ट्रा जो है वो ज़रूरत है इसके ना। डाटा डिक्शनरी मस्ट बी एसेंशियल फॉर DBMS। DBMS के लिए डाटा डिक्शनरी का होना इंतहाई ज़रूरी है टू एंश्योर दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल्स, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि जो डाटा हमारे डाटाबेस में एंटर हो रहा है वो रूल्स के मुताबिक है और रूल्स को फॉलो कर रहा है। इट इज़ वेरी यूज़फुल टूल फॉर DBMS। DBMS के लिए ये एक यूज़फुल टूल है बट लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करना एक एक्सपेंसिव जो है वो काम हो जाता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे और ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़।